काठमांडू सिटी जहाँ पे ठहरे इसका आबादी है 40 लाख। अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे? पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मीन्स अर्धा ज्योतिर्लिंग। अर्धा ज्योतिर्लिंग आपने इंडिया में उत्तराखंड में केदारनाथ है, नेपाल में पशुपतिनाथ है, ये दोनों मिलाकर एक पूरा ज्योतिर्लिंग माना जाते हैं। जैसा है 12 ज्योतिर्लिंग में एक पशुपतिनाथ के नाम नहीं आ जाते हैं, जैसा है सौराष्ट्रेश्वरनाथमता श्रेषाई मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकारा ममलेश्वरम परल्या वैनाथम चाकिन्ने भीमशंकरम सेतुबंधे तो रामेशम नागेशम द्वारकावने वाणस्य तुम्बिशेषम त्र्यंबकमुतमे तटे हिमालय तो केदार विष्णेश्वरं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायंप्रातःपठिन्नर सप्त जन्म कृतम पाप स्मरण भी न सके। आलिंगन में जितना भी दर्शन हो जाते हैं सारा लिंग का दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग का सिर का दर्शन मिल जाते हैं कि चिरा का दर्शन मिल जाते हैं। यहाँ से नीचे का भाग केदारनाथ है, यहाँ से ऊपर का भाग पशुपतिनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद में पशुपतिनाथ के दर्शन किया नहीं तो आपके चारों धाम दर्शन पूर्ण नहीं हो जाते, हिंदू शास्त्र में लिखा है। ये पशुपतिनाथ के अंदर में एक लिंग है, इसको चारों तरफ चार मुख बनेंगे, जैसा है रामेश्वरम बद्रीनाथ केदारनाथ जगन्नाथपुरी, ऊपर का भाग पशुपतिनाथ है। जो लोग चार धाम दर्शन कर पाते नहीं, पशुपतिनाथ में आकर एक बार दर्शन किया तो भी आपने चारों धाम दर्शन किया का फल प्राप्ति हो जाते हैं। और पशुपतिनाथ के अंदर में पिन्न में हाथ जो पशुपतिनाथ के अंदर में जूता चप्पल कैमरा मोबाइल बिल खुला हुए हैं। दूसरा बात है मंदिर के दर्शन के टाइम में आपने गाली का चैन गोल आइटम मणिपुर समल के दर्शन कर लेना है, क्योंकि आप ओम नमो से बोलते हैं पीछे से कोई ओम नमो से बोल सकते हैं। और पशुपतिनाथ के अंदर में पिन्न में हाथ लगाने के लिए किसी का मिलता नहीं, होने के लिए लाया आपने ताली मोदी आया ताली करके अभिषेक किया था उसका भी किसी के राजा को भी मंदिर के अंदर में दर्शन करने के समय में आपने फोटा खींचना नहीं, जेब के अंदर आ सकते हैं मोबाइल कैमरा लेकिन अंदर यूज करने का नहीं। आप लोग हम लोग क्या करेंगे बाद में कराएंगे फिर अंदर जाएंगे। आप लोग अंदर जाना दर्शन करना निकलना या कोई भी यहाँ पर पढ़ना कोई करना कोई भी चार्ज नहीं है। और आए समय में नेपाल में एक जगह है जहाँ पे रुद्रा अभिषेक हो जाते हैं, रुद्रा अभिषेक समझते ना, अभिषेक मीन्स क्या करते हैं आप ना गोद लिखाते हैं आसन पर बैठाते हैं हाथ बुलाते हाथ में जेल फूल खाने के संकल्प करवाते हैं। संकल्प के बाद में नमकम तमकम वेद पारण हो जाते हैं, उसके बाद में लिंग नाटक हो जाते हैं, उसके बाद में जैसा आरती हो जाते हैं आरती होने के बाद में जैसा तिरुपति बालाजी ने पूजा किया है लड्डू का भोजन जाते हैं, जगन्नाथपुरी में आया पूजा किया है चावल मिल जाते हैं। यहाँ पे पूजा करने के बाद में काठमांडू सिटी जहाँ पे ठहरे इसका आबादी है 40 लाख। अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे? पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मीन्स अर्धा ज्योतिर्लिंग। अर्धा ज्योतिर्लिंग आपने इंडिया में उत्तराखंड में केदारनाथ है, नेपाल में पशुपतिनाथ है, ये दोनों मिलाकर एक पूरा ज्योतिर्लिंग माना जाते हैं। जैसा है 12 ज्योतिर्लिंग में एक पशुपतिनाथ के नाम नहीं आ जाते हैं, जैसा है सौराष्ट्रेश्वरनाथमता श्रेषाई मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकारा ममलेश्वरम परल्या वैनाथम चाकिन्ने भीमशंकरम
सेतुवंदे तो रामेशम नागेशम द्वारकावने वाणस्य तुम्बिशेषम त्र्यंबकमुतमे तटे हिमालय तु केदार विष्णेश्वरं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायंप्रातःपठिन्नर सप्तजन्म कृतं पाप स्मरण विन्यसति। आलिंगन में जितना भी दर्शन हो जाते हैं सारा लिंग का दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद में बारह ज्योतिर्लिंग का सिर का दर्शन मिल जाते हैं कि चिरा का दर्शन मिल जाते हैं। यहाँ से नीचे का भाग केदारनाथ है, यहाँ से ऊपर का भाग पशुपतिनाथ। बारों ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद में पशुपतिनाथ के दर्शन किया नहीं तो अपने चारों धाम दर्शन पूर्ण नहीं हो जाते, हिंदू शास्त्र में लिखा है। एक पशुपतिनाथ के अंदर में एक लिंग है, इसको चारों तरफ चार मुख बनेंगे, जैसा है रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी। ऊपर का भाग पशुपतिनाथ है। जो लोग चार धाम दर्शन कर पाते नहीं, पशुपतिनाथ में आकर एक बार दर्शन किया तो भी आपने चारों धाम दर्शन किया का फल प्राप्ति हो जाते हैं। और पशुपतिनाथ के अंदर में पिन्न में हाथ जो पशुपतिनाथ के अंदर में जूता चप्पल कैमरा मोबाइल बिल खुला हुए हैं। दूसरा बात है मंदिर के दर्शन के टाइम में आपने गाली का चैन गोल आइटम मणिपुर समल के दर्शन कर लेना है, क्योंकि आप ओम नमो से बोलते हैं पीछे से कोई ओम नमो से बोल सकते हैं। और पशुपतिनाथ के अंदर में पिन्न में हाथ लगाने के लिए किसी का मिलता नहीं, होने के लिए लाया आपने ताली कर मोदी आया ताली करके अभिषेक किया था उसका भी किसी के पंखे राजा को भी नहीं अलाउ नहीं है। और मंदिर के अंदर में दर्शन करने के समय में आपने फोटा खींचना नहीं, जेब के अंदर आ सकते हैं मोबाइल कैमरा लेकिन अंदर यूज करने का नहीं। आप लोग हम लोग क्या करेंगे बाद में इकट्ठा करेंगे फिर अंदर जाएंगे। आप लोग अंदर जाना दर्शन करना निकलना या फिर कोई भी यहाँ पे पढ़ना नहीं करेंगे कोई भी चार्ज नहीं है। और आए समय में नेपाल में एक जगह है जहाँ पे रुद्र अभिषेक हो जाते हैं, रुद्र अभिषेक समझते ना, अभिषेक मीन्स क्या करते हैं आप ना गोद लिखाते हैं आसन पर बैठाते हैं हाथ बुलाते हाथ में तेल फूल खाने के संकल्प करवाते हैं। संकल्प के बाद में नमकम तमकम वेद पारायण हो जाते हैं, उसके बाद में लिंग नाटक हो जाते हैं, उसके बाद में जैसा आरती हो जाते हैं आरती होने के बाद में जैसा तिरुपति बालाजी ने पूजा किया है लड्डू का भोजन जाते हैं, जगन्नाथपुरी में आया पूजा किया है चावल मिल जाते हैं। यहाँ पे पूजा करने के बाद में Thank you.